कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और गाइस बहुत बुरे भी हैं, क्योंकि गाइस अभी हम गए थे पम्मी के ब्लॉग में, आपने देखा होगा, हम गए थे मेरा अल्ट्रासाउंड कराने। ओए नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं, एक्सरे यार, अल्ट्रासाउंड तो प्रेगनेंसी में होता है ना। हाँ, तो मेरी उंगली का एक्सरे कराने गए थे, तो मेरी वाली उंगली का गाइस मांस फटा निकला है, मतलब ना मेरे मसल्स में कुछ वो निकला है, पता नहीं क्या बोलते हैं वो डॉक्टर की लैंग्वेज में, उन्होंने तो अपना इंग्लिश काट दी कतई। और इसमें ना उन्होंने बोला है वो जो वन फिंगर की स्ट्रेट वाला प्लास्टर नहीं होता, एक मतलब प्लेट सी लगती है और उसके ऊपर गर्म पट्टी की स्ट्रिप्स लगती है और एक फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। और मैं तो बार बार सबको ऐसे ऐसे मोड़ के दिखा रही हूँ क्योंकि इसका मांस फट गया, तो ये ना उन्होंने बोला सीधी रखनी है बिल्कुल, आपको इसे मूव नहीं करना 2-4 दिन, जितने दिन ठीक नहीं हो रही। और मतलब मेरे क्या क्या होता जा रहा है। और ये उंगली भी मेरी ऐसे ही दीवार में हाथ वाथ मारने की वजह से टूट गई थी, इसलिए मेरी ये वाली उंगली में प्लास्टर चढ़ेगा अब। और दूसरा वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पे आई केयर सेंटर है, तो वशु की आँख चेक करानी है और इसके एडमिशन की आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, आप तक अभी तक आपने बात नहीं करी। तो गाइस प्रोसीजर चल रहा है, इसका टीसी मंगवाया पुराने वाले स्कूल से, इसके कागज भी बनेंगे ना, इसका आधार कार्ड नहीं है, वो भी यहीं का बनेगा फिर कि वहाँ का बनेगा, तो इसको पहले दोबारा नोएडा ले जाके इसका आधार कार्ड बनाना पड़ेगा और फिर इसका यहाँ पे एडमिशन होगा। इसका टीसी लेके आएंगे, वहाँ से इसका आधार कार्ड लेके आएंगे, तब इसका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा, तो गाइस प्रोसेस चल रहा है, जैसे जैसे एडमिशन होगा हम आप लोगों को बताएंगे। इसकी पढ़ाई की आप लोग इतनी टेंशन ले रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। और अब ना इसकी गाइस आईज ना बहुत दिन से वीक हो रही हैं, तो दर्द होता रहता है, रोज कहते हैं जाएंगे जा नहीं पाते। तो आज मैंने जहाँ एक्सरे कराया वहीं पर आईज चेक हो रही थी, तो अच्छे डॉक्टर हैं वो, तो हम उन्हीं के पास जा रहे हैं आईज चेक कराने, पता लगेगा इसकी आईज में क्या दिक्कत है। टीवी इतने पास से देखती है बिल्कुल टीवी के अंदर घुस के, तो कुछ ना कुछ तो होगी दिक्कत, अब देखते हैं। है धूप भाई, अब दिखा मुझे, मुझे इतना गंदा आ रहा है के। तो चलो हम ले आते हैं दवाई, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और गाइस मम्मी ने घर पे लगा रखा है शबील, मतलब वो रूअफ़ज़ा वाला पानी जो बांटते हैं ना, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी पिलाओ, जितना आप पिला सकते हो गाइस, जितना आपसे हो। तो हमारे बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसे मिलाए जो आस पड़ोस के मम्मी कर रही थी, फिर सबने, मतलब मुझे नहीं पता सब लोग कर रहे हैं, तो अभी मैं जाऊँगी फिर देखूँगी क्या हो रहा है। मम्मी ने फ़ोन भी करा मम्मी आ जा, तो मम्मी फ़ोन नहीं उठाया मम्मी ने, और ना मैंने उठाया क्योंकि घर पे कुछ सब्सक्राइबर्स आए हुए थे, तो उनसे मिलने में बिजी थे हम लोग। मम्मी के ब्लॉग में आप देख लेना। तो चलो अब चलते हैं आगे डॉक्टर के, बट यहाँ के हुआ क्या, जब हम पहले आए थे मेरा एक्सरे कराने ना, तब बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और अब आप भीड़ देखना ज़रा, मतलब अब नंबर लग रहा है एक्सरे कराने के लिए, पूरा इधर भी भीड़ लग रही है पीछे और इधर भी, अब तो हमारी ऐसे ऐसी हो जाएगी लाइन पर लगेगी, तो हम नंबर लगा के गाड़ी में बैठ रहे हैं, या फिर कुछ लेना हुआ तो सामान ले लेंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत भीड़ है, क्योंकि आईज में अभी दवाई डली है, डॉक्टर ने बोला है जैसे पम्मी की चेक हुई थी वैसे ही हो रही है, डॉक्टर ने बोला है कि खोलनी नहीं है, कमजोरी आ रही है, साथ के साथ जूस पिला रहे हैं। आंखों में जलन हो रही है, अब नहीं हुई, मैंने अभी ना मतलब डॉक्टर से पूछा मैंने अभी कि उन्होंने पहले नंबर चेक करा, तो वो पता नहीं क्या बोल रहे, थोड़ा सा विजन है ये, पता ना के कही उन्होंने, मतलब थोड़ी सी कमी है, अब दवाई डाल के पूरा चेक होगा, आधे घंटे रखनी है, फिर पता लगेगा इसकी आँखों में के हुआ है। गाइज ये ना फोन भी फोन के अंदर घुस के चलाती है और टीवी तो टीवी के अंदर बैठ के देखती है, शुरू से ही देखती है तू, इसलिए जूस भी दिया कहीं बेहोश ना हो जा तू। और सबके नंबर बैठे हुए थे, सब लोग चले गए, हम रहते हैं अभी से, अंदर चेकअप चल रहा है, डॉक्टर अंदर ले गए, तो अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर आ गई। और ये महाराज गाड़ी करा के लाए हैं और यहाँ पे इन्होंने ये बड़ा बड़ा लिखवा दिया, क्योंकि छोटे में ना लोगों को दिख नहीं रहा था, तो इन्होंने बड़ा करा दिया और ये काली फिल्म चढ़वा के लाए। पहले इन्होंने प्लास्टिक शीट बनवाई थी इसकी, बट अब इन्होंने ना 40% ब्लैक जेट करवा दी और ये बड़ा बड़ा लिखवाया है। अब बताना आप लोग कैसा लग रहा है ये, मैं चेक कराकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि बहुत ज़्यादा नंबर है। अरे क्या कर रहे हैं जी आप, मुझे छेड़ रहे हो। वो लगा रहे हैं, मतलब काले कराए हैं 40%, तो उसके ऊपर ये लगा रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैक जेट हो जाए, और जो चलान आएगा वो यही भरेंगे। तो गाइस इसका ना वशु का बहुत ज्यादा नंबर बताया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये नंबर आया है, तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज्यादा नंबर है। बुधवार क्या होता है, मंगल, सोमवार, मंगल, बुध, वेडनेसडे, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे ना, तो हाँ गाइस वेडनेसडे को फिर से बुलाया है, फिर से जो बड़े डॉक्टर है वो चेक करेंगे, क्योंकि दिक्कत बहुत ज्यादा है, मेडिसिन कोई नहीं दी है, बस अभी जो उन्होंने डाली है ना वही मेडिसिन है, और देख ले आगे से टीवी, अभी तो मम्मी के पास फोन करूँ, टीवी कति बढ़ जा टीवी में देखने को, अब देखो अब चश्मा लग जाएगा, इतनी सी उम्र में इतना ज्यादा नंबर है, वो कह रहे पता नहीं बच्ची झेल पाएगी नहीं झेल पाएगी, उन्हें क्या पता, बच्ची तो पूरी वो हो रही है टीवी की, वो बन रही है चूसू, लगाइए अब चश्मा, बुढ़ापे में तेरे चश्मे लग रहेंगे, अभी जवानी में भी लगे रहेंगे। घर और पम्मी गए थे अपने कपड़े प्रेस पे डालने गाइस, क्योंकि पम्मी को किसी की भी प्रेस पसंद नहीं आती, उनको पूरी प्रॉपर प्रेस चाहिए उनकी शर्ट पे,
तो वो प्रेस डालने गए थे और ये मम्मी बैठी है माजी के साथ चूल पीस रही है और मैं कर रही थी सफाई का ही सारे रूम साफ कर करके ना मैंने लॉक कर दिए। ये वाला भी साफ़ हो गया बिल्कुल समेट दिया ये भी और इन दोनों को मैंने नॉक कर दिया क्योंकि ना बार बार बच्चे वगैरह कुछ आ जाते हैं खेलने वेलने तो घर फिर से ऐसे फैल जाता है। ये सब साफ़ करा गाड़ी वाड़ी वापस ठीक करी और ये वाला भी रूम अपना वाला साफ़ करा और वशु यहाँ पे सो गई है। और गाइज़ एक बंदे ने कमेंट करा था कि दीदी आप ऐसे खिड़की पे तकिए क्यों लगाते हो। गाइज़ ये ना ट्रांसपेरेंट है शाम को दिखता है और अभी ना इसमें हमने शीट नहीं लगा रखी इसलिए तो इसकी आँख में दवाई डली थी ना तो ये सो गई है। ये रूम भी मैंने साफ़ कर दिया सारे में झाड़ू लगा रही हूँ मैं आप मेरी शक्ल देख सकते हैं तो मैंने लाइट बंद कर दी कितने वशु सो जाती है। फिर मैं बर्तन एक हाथ से धो लूँगी क्योंकि अभी मैं धो नहीं सकती हूँ ना बर्तन मेरी पट्टी में पानी चला जाएगा पर फिर कोई बात नहीं अब मैं कर लूँगी मैनेज पन्नी चढ़ा के धो लूँगी क्योंकि काम वाली दीदी तो सुबह धो जाती है ना शाम के धोने पड़ते हैं। तो चलो गाइस अब मैं शाम का झाड़ू लगा लूँ मम्मी पूजा करेगी क्योंकि पूजा मम्मी करती हैं। वैसे अगर मैं भी नहाई भी हूँ आज मैं कर दूँगी अगर करनी होगी तो मम्मी से पूछ लेती हूँ पहले। तो मैं झाड़ू लगा लूँ फिर मम्मी के लिए रोटी बना लूँ फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैंने कपड़े बदल लिए क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं तो मैं आ गई हूँ अपने ये वाले गेटअप में जिसमें काम कर सकते हैं और क्या मेकअप नहीं उतरा क्योंकि मुझे फिर रात को ना वीडियोज़ भी बनानी है बहुत सारे पार्सल मेरे इसमें पार्सल्स भरे पड़े हैं तो रात को बनाऊँगी वीडियोज़। और अभी मैं काम से निपट जाती हूँ बस तो घर सारा साफ़ हो गया बस किचन का काम है रोज सब्जी बनेगी रोटी तो मैं नहीं बना सकती दो चार बना सकती हूँ ज़्यादा में ना क्योंकि वाली फिंगर भी मेरी टूटी पड़ी है मांस फटा पड़ा तो कैसे करूँगी। आलू बैंगन मैं घर से लेके आई हूँ और ये भी तो अब मैं रोटी बना लेती हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? हाँ मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? रोटी खा के जाओ बैठो दो मिनट। इनके लिए रोटी बन गई आलू बैंगन मैं घर से लेके आई थी अब शाम की सब्जी बनेगी उन्हें मिर्च का अचार मैंने आपको दिखाया था ना फाइव जहाँ से लेके आए थे स्लैब बहुत मैसी हो रही है इसे ना मैं अभी इन्हें खाना दे दूँ फिर करूँगी साफ और बर्तन भी तब धो लूँगी। और ये रही अंदर लो उठ जाओ और मैंने भी नहीं खाया था इनके साथ ही खाऊंगी क्योंकि ये लोग जा रहे हैं। वो वाली गाड़ी फिर जा रही है। कौन सी खा दो ब्लैक क्यों कौन जा रहा है? तो गाइस सुबह सर्विस हो रही है नहीं लग बंदर बैठा हो अब मैं चला जाऊं 8 तारीख को ऋषिकेश में पड़ी घर। हां जाओ मैं कोई रोक रही हूं पहले तुम लत्ती लो अपना तंडक हो कभी नंगे हो रहे हो कच्चा पैर के बाहर हांड रहे हैं। तो गाइज़ पुनीत आया गाड़ी लेने क्योंकि ये लोग जा रहे हैं सैटरडे है ना आज गुरुद्वारे मैं नहीं जा रही क्योंकि अभी थोड़ा सा काम करना है इसलिए और खाना नहीं बना दारू पी रहा है अंदर थप्पड़ मारूंगी ना अभी से बन रही है टमाटर प्याज की चटनी क्योंकि मैं क्या करूँ घर वालों को मेरे हाथ की टमाटर प्याज की चटनी ज़्यादा पसंद है वो पहुँच जाऊँगी। और गाइज़ मम्मी आटा गूंद रही है क्योंकि मैं तो अभी भी नहीं गूंद सकती और पटकी अभी मम्मी से मंगवाई है क्योंकि इसमें सारी में पानी भर गया और मैं आलू बैंगन लाई थी ना ये पड़े पापा इससे रोटी खाएंगे हम बना रहे हैं चटनी और ये यहाँ पड़े हुए हैं। तुझे क्यों होगा वो काल जाने वाली पट्टी मंगाई है मैंने इसके आइस में दवाई डली थी ना तब से सिर्फ इतना चक्कर चक्कर फील हो रहे हैं अभी पट्टी चेंज करेंगे मम्मी मेरी ये भी। तो चलो मैं बना लेती हूँ रोटी और फिर मिलेंगे आप लोग कंटिन्यू करना भूल गई ये देखना ऐसे लग रहा नूना वाला टाइम आ गया ये सो रहे हैं मम्मी यहाँ पे और वशु भी अभी हमने रोटी नहीं खाई है 12:30 हो गए उन्हें देखो मेरी रिंग से लग गया चार रोटी पड़ी और मैं बनाने जा रही हूँ गाइस अब क्योंकि रोटी अभी हमने खाई नहीं है। मम्मी आप खा रही हो रोटी खा लो मम्मी भी रोटी नहीं खा रही तो खा ले। हाँ मैं बना रही हूँ मेरे को तो भूख लग रही है मम्मी भी तो है वशु भी तो है चार है ना इतने एक दो और बना लेती हूँ। गाइस पापा ने खा लिया और ये किचन इतना मैसी हो रहा है ये साफ कर लें ना बना खाना पुनीत मम्मी के लिए नॉनवेज लेके आया और मैंने चटनी बनाई तो मैंने कहा तू एक रोटी खा के जाएगा पता है क्या रहा तो बच गए ना तो पैक करो के लिए। यार यही गंदी सोच है ना यार मैं खाने को मतलब आपको शर्म ना आती है आपके लिए बचा हुआ लाओ है कभी जो आपने ऐसे कह दी मेरे भैया को हमेशा जब चाहे आप पुनीत से कितना ही लड़ लो पर पुनीत कभी नहीं आपकी बुराई करते खा ले भाई कोई बात नहीं तो हड्डी वाले लिया है तो तुम ऐसे कह रहे हो वापिस दे दे हम खा लेंगे छोड़ भी नहीं दे। गाइस पुनीत ऐसा है मम्मी गुस्से में ना कुछ बोल भी देते हैं उल्टा सीधा पुनीत ने आज तक नहीं बोला है ना कुछ पर ये इतने बदतमीज है मेरे भाई को ऐसे कह दी उन्होंने भाई तुम ही चटनी खा मेरा साल आ मैं बोल भी दूंगा तो क्यों अच्छा हम खा रहे हैं गाइस अब 12 बजे रोटी ये वाली मत खाई टाइट हो रही है नीचे वाली
ये मम्मी ने पता नहीं बाहर रख दी हुई, मैंने नहीं चुपड़ी। बात करिए कि चला रहे हैं आप फोन, और ये बना रही है अपने मामा के लिए थिंग्स। किचन जस्ट मैंने अभी साफ़ करी है, पट्टी मैंने खोल दी है काम करने के लिए। बर्तन सुबह दीदी आएंगी वो धो देंगी, काम वाली दीदी। तो स्लैब मैंने अभी जस्ट साफ़ करी है, आप लोगों को दिख रही होगी बिल्कुल साफ। अभी मैंने गीली है, उससे पहले साबुन से करिए, उसके बाद वैसे करिए। और मैंने पट्टी खोल दी क्योंकि पानी वानी लगे। सोच तो मैं एक बार कर रही हूँ कपड़े धो लूँ। गाइस दो दिन से आप देख रहे होगे मैं व्लॉग में बोल रही हूँ कपड़े धो लें, पर टाइम नहीं मिल पाता और चीज़ों के बीच में। कुछ कपड़े ये रखे, कुछ बाहर बाथरूम में टब भर रहा था वो पता नहीं कहाँ गया। अब रात के 1 बज रहे हैं, मैं इनसे कह रही हूँ मम्मी मैं अभी मशीन लगा लूँ, तो मना कर रही है। मैंने कहा फ्लैट पर भी तो धोती थी मैं, कह रहे नहीं पर यहाँ मत लगा अभी, कल ही लगाइए इसलिए। और गाइस मंडे को गाड़ी भी चली जाएगी, कल हमें पंकुड़ी दीदी पे जाना है डॉक्टर पे, ये वाला जो कट है ना इसके लिए शीशा ठीक होके आएगा कल गाड़ी चलेगी। उसमें चीनी मैंने बर्फ सब डाल दिया, कह रही हूँ कलर नहीं आ रहा। अच्छा मम्मी मम्मी बनाना शेक में मशहूर ने चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, बर्फ डाल दी, कह रही पता ना कलर क्यों नहीं आ रहा, कलर क्यों नहीं आ रहा, देखा तो केले डाले नहीं, केले वहीं पड़े। क्या बाजू, ये पूरी दोपहर सो ली, इसे भी अब नींद नहीं आ रही। तो चलो गाइस अब हम सो जाते हैं जूस पी के, बाय। गुड नाइट। तो गाइस हम उठ गए थे बहुत देर के, पर मम्मी के टेलर वाले आए हुए थे तो हम बैठे हुए थे तो टाइम ज़्यादा लग गया, मेरे सूट सिल नहीं पाए हैं। और टेलर गाइस मुझे कोई मिल नहीं रहा, अगर आपको कोई टेलर पता हो तो ज़रूर बताना। और अब हो रही है घर की सफाई क्योंकि आज काम वाली दीदी नहीं आएंगी, तो सारी डस्टिंग हो गई, अब झाड़ू पोछा होना है। देख सकते हैं आप डस्टिंग हो गई है, ये चुन्नी अभी मम्मी ने यहाँ रख दिया। हरी चुन्नी क्यों निकाली है, हरी चुन्नी आपने? हाँ अरे मम्मी ये इसे निकालिए, फंस गई मम्मी, जल्दी आओ, वशु फंस गई, मेरे हाथ टूट रहे, कैसे खींचू इसे, बुआड़ी पड़ी, कैसे फंस गई हो, कैसे फंस गई, अबे निकालो पहले, ले हाथ पकड़ मेरा। तू वहां करने क्या गई थी? मैं चश्मा गिर दिए नीचे, अच्छा तेरे मुंह गट जा रहा है, पट्टी होनी है, करवा नहीं पा रही है, देखो सूजन आपको दिख रही होगी बाकी फिंगर से, और ना ये मेरी फिंगर बैंड हो रही, इसमें मेरी चोट लग गई थी, तो इसका रीजन तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रीजन है इसका, बहुत ज्यादा सीरियस, पर छोड़ो इस फिंगर का रीजन को इग्नोर करते हैं। और अब करते हैं इसी तरीके से आगे काम, कपड़े देखो मेरे कैसे हो रहे हैं। वो तू कहाँ जा रही है इतनी तरह के, देखना इसे, बटुआ चश्मे कहाँ कहाँ चल दी। हाँ मम्मी चक्कू पता ना, मम्मी यू किचन में से ही निकाल के करे हैं मैंने, मेरी क्या गलती है किचन में फैल रहे। और मम्मी रात को मैं स्लैप ऐसी करके सोई थी कि वाह मैं मुँह देख लो, और सुबह मुझे फिर वहाँ पे आटा खिंडा मिला, आटे को कह रही हूँ मैं, पराठे बनाए मम्मी ने, मम्मी पूरा पलोथर मम्मी हवा में उड़ाओगे पराठे ने, तो मुझे ऐसा लगा आप पलोथर हवा में उड़ाओ, पूरी स्लैब पे आपने पलोथर कर दिया। तो गाइस अब आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना मेरे को पंकुड़ी दी किया जाना है, तो मैं फटाफट सब्जी बना रही हूँ, रोटी मम्मी बना लेगी क्योंकि रोटी नहीं बनेगी अभी, मिक्सर पट्टी करूँगी अभी क्योंकि मैं पट्टी इसलिए नहीं कर रही, काम करना है इतने खुले में ठीक हो जाएगी। और ये बच्चा आता है हमारे घर बड़ा प्यारा बच्चा, सही नहीं इसमें प्यार से बोलता ही, तू यही रख लूँ, हाँ कह रहा हाँ फिर नहीं मम्मी नहीं डांटेगी, तो ये मेरा बेटा रख लिया फिर तू क्या रहेगा, मैं यही रहूँ मामी के पास, फिर तो यही रहेगा यही सोएगा। तो चलो गाइस भिंडी बना के मिलते हैं, आप चुकी है भिंडी मतलब बन रही है, मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, मैं जा रही हूँ नहाने, सारा काम निपट चुका है, मुझे जाना है डॉक्टर पंकुड़ी के यहाँ, और नोना से भी मिलने, इन मैं कल भी ढंग से नहीं मिल पाई थी तो आज मैं नोना से मिलूंगी। तो चलो यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड, फिर मिलेंगे हम आप लोग न्यू ब्लॉग आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, लव यू एंड कीप सपोर्टिंग ओके गाइस बाय।